हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी मित्रों का, सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। साथियों, अब मुद्दे पर आते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है बारिश में मुर्गी पालन। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है और अभी 20 जून डेट है, 20 जून 2019। और आप देख सकते हैं कि मेरे पोल्ट्री फार्म में लगभग 1200-1300 ग्राम का बर्ड है। दोस्तों, ये पिछले महीने की 23 तारीख को मेरे यहाँ पे पोल्ट्री में बर्ड आया था, जो कि अभी इसमें 1200 से 1300 ग्राम के लगभग वेट है, ये आप देख सकते हैं। और कितना बढ़िया बर्ड है, कितना बढ़िया मुर्गी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल फुल गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हमने ये वजन लिया है। तो दोस्तों, गर्मियों में लोग मुर्गी पालन कर नहीं पाते, बहुत सारी समस्या आते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग चैनलों पे गलत जानकारी भी देते हैं। लेकिन साथियों, मैं भी किसान हूँ, पोल्ट्री फार्मर हूँ, खुद अपना पोल्ट्री करता हूँ, खुद मुर्गा पालता हूँ, इसलिए मैं आपको जो जानकारी देता हूँ बिल्कुल सटीक और शुद्ध जानकारी देता हूँ, इसमें ज़रा सा भी कोई गड़बड़ नहीं होता। आप आज देख सकते हैं कि मेरा मुर्गा ये 1300 ग्राम के लगभग में मुर्गा है और ये मुर्गा पूरा बारिश गर्मी में पला हुआ है। और अब मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है दोस्तों, कहीं पानी आने भी वाला है। तो अब हमें बताना है कि हमें बारिश में क्या तैयारी करनी है, किस तरह से काम करना है। अभी गर्मियों में हमने ये व्यवस्था करके रखी थी, देखिए इस तरह से हमने ये पर्दे लगाए थे, टाट का एक पर्दा आता है ये इस तरह से, और इसको हम साइड में खींच के खूंटी से बांध देते थे और ऊपर स्प्रिंकलर चलाते थे जिससे कि पानी आता था तो इसके ऊपर आता था और जो भी अंदर गर्म हवा आने से रुकती थी इससे, और जो भी हवा आती थी वो ठंडी होके आती थी, इसका ये फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों, अभी बारिश के मौसम में भी इसका फ़ायदा हमें कि बार बार अगर हमारे यहाँ पर शेड में पानी आता है तो बार बार पर्दे उठाने गिराने में प्रॉब्लम आती है, तो हम ये टाट के पर्दे को खींच के बांध सकते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत पानी या बार बार पानी आता है तो इससे पानी रुक जाता है, हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस तरह से टाट का पर्दा बांधिए और उसको खींच के खूंटियाँ गाड़ के, देखिए हमने वो आपको दिख रहा होगा, हमने वो खूंटी गाड़ रखी है सामने, इस तरह से खूंटियाँ गाड़ के उसे खींच के बांध दें। और दिन में यदि मौसम साफ रहे और आपको लगे कि पानी का कोई काम नहीं है, पानी आने वाला नहीं है, तो आप उसको पर्दे को इस तरह से उठा दें। तो इससे क्या है दोस्तों कि हमारा वट परेशान नहीं होगा, वट पे पानी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर दिन में गर्मी रहे तो भी आप गिरा सकते हो और स्प्रिंकलर चला सकते हो। चला सकते हो क्या? स्प्रिंकलर तो चला नहीं है क्योंकि एकदम हम पानी बंद कर देते हैं। अभी हमने स्प्रिंकलर चला के उसको ठंडा टेम्परेचर दिया है और यदि बारिश के चक्कर में हम बंद कर देंगे तो एकदम से उमस होती है जिससे कि मुर्गे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें स्प्रिंकलर, जो पानी की हमने व्यवस्था कर रखी थी, उसे चालू रखना है, कंटिन्यू रखना है और पर्दों का ध्यान रखें। दिन में अगर मौसम ठीक है तो देखिए पर्दा उतार देना है बिल्कुल इस तरह से, और जिस साइड से हवा आती है उस साइड हमें पर्दा बांध के रखना है। उस पर्दे को अगर दिन में पानी, मौसम ठीक है और हवा भी ठीक है तो भी पर्दे को उठा के रखना, यदि मौसम ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है या बारिश का मौसम है तो इस पर्दे को हम नीचे गिरा देंगे। दोस्तों, अभी बारिश का टाइम है, अभी 15-20 दिन डेट भी ठीक रहेगा। और बहुत सारे मेरे साथियों का कमेंट आ रहा था कि हमें बारिश में मुर्गा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मुर्गी पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मुर्गी पालन का रेट का कोई निश्चित नहीं होता है, ये तो एक मार्केट और मांग पूर्ति के नियम के अनुसार चलता है, डिमांड रहता है। कभी कभी बारिश में रेट अच्छा आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो अभी सावन से पहले आप अपने फार्म में मुर्गी डाल सकते हो, बारिश में भी मुर्गी पालन कर सकते हो। लेकिन विशेष तौर से ध्यान रहे दोस्तों, पर्दे का विशेष ध्यान रखें कि यदि मान लो मौसम हमारा ख़राब है तो पर्दा हमें गिरा के रखें, नहीं तो जरा सी लापरवाही में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये थी दोस्तों बारिश में मुर्गी पालन की हमारी कुछ ज़रूरी बातें, सावधानियां इस तरह से हमें करना है। और अभी काफ़ी दिन में वीडियो लेके आए थे दोस्तों, अब हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे, आपके सब्जेक्ट पे जानकारी देते रहेंगे। आई हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, अन्य दोस्तों को भी बताएं जिससे कि सभी को जानकारी मिले और सभी अच्छे से मुर्गी पालन कर सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों।